नमस्कार, चौथो काव्य यू और मैं इना लेखक छे नरेंद्र शर्मा। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई। वे आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रा नंदन पंत जी की तरह तीन युगों में रहा है। वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में उनके कविता संकलनों में रम फेर, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्त चंदन, लाल निशान, पलाशवन आदि कविता संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें। उनकी नई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित है। युग और में कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ, बस्तियां उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और में कविता में अभिव्यक्त हुई है। हवे पहली पंक्ति में कवि लेखक कहे छे, उजड़ रहे अनगिनत बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या, दबों से मिट रहे देश जब तो मेरी ही हस्ती क्या। अहीं लेखक एम कहवा मांगे छे के कवि कहे छे के आजे विनाशनु वातावरण छे, जारे असंख्य वस्ती नाश पामी रही छे, त्यारे मारी वस्ती नी सी वात सी विशाल, जारे समग्र देश नाश पामी रह्या छे तो मारू अस्तित्व तो बहु तुच्छ छे। ते नाश पामे तेमां शुं आश्चर्य। त्यार पछीनी पंक्ति, बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कही, दुनिया भर की दुख कथा है,
मेरी ही क्या करुणा कथा। अही कवि कहे छे के आजे बोम्ब ना रूप में आकाश माथी आग ना गोड़ा वरसी रह्या छे, धरती माथी आग नी ज्वाळाओ फूटी रही छे, ज्यारे सब कोई मौत ना मुख में जई रह्या छे त्यारे हूँ मारी बाबत में शुं कहूं। જ્યારે આખી દુનિયા દુઃખોથી ત્રાસેલી છે તો મારા દુઃખ દર્દ ગણિત ગણતરીમાં, ત્યાર પછીની પંક્તિ જાને કબ તક ઘાવ ભરેંગે ઇસ ઘાયલ માનવતા કે, જાને કબ તક સચ્ચે હોંગે सपने सबकी समता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। अही आ पंक्ति द्वारा कवि कहे छे घायल मानवता ना घा क्यारे रुजाशे ए कोई ने खबर नथी। દુનિયાના સૌ લોકોની સમાનતાનું સ્વપ્ન ક્યારે સાચું પડશે, જ્યારે આખી દુનિયા દુઃખોથી પીડાઈ રહી છે ત્યારે હું મારી વ્યથાને ભારે કેવી રીતે કહું।